हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। सो अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाकर ऑल पे डालें ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज मैं जाने वाला हूँ डॉबी पार्क। सो डॉबी पार्क एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ेगा और डॉबी यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ती है। बट जो पार्क है वो 4 किलोमीटर डोबी से दूरी या 3 किलोमीटर दूरी पे है। सो चलते हैं और देखते हैं कि वो डोबी पार्क कैसा है। डोबी पार्क का नाम है बुद्ध विहार समथिंग, ऐसा कुछ है, मुझे अभी ठीक से पता नहीं है। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि नाम क्या है और पार्क कैसा है। सो चलते हैं गाइस और एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं और आज का डे का इन्जॉय करते हैं।
मैं बोध वाटिका पार्क में पहुंच चुका हूं। चलते हैं अंदर और देखते हैं ये पार्क कैसा है। एक्चुअली ये धोबी और सरघाटी के बीच में पड़ता है ये पार्क। धोबी से आपको 3 या 4 किलोमीटर का पड़ेगा और सरघाटी से लगभग वही 4 या 3 किलोमीटर का पड़ेगा। तो ये है बोध वाटिका पार्क, चलते हैं देखते हैं ये पार्क कैसा है। ये रहा टिकट, 4 पर्सन 20 रुपीज़ है। सो ये पार्क का एंट्री फी है और प्लस में पार्किंग अलग से देना पड़ता है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं ये पार्क कैसा है, तो चलते हैं अंदर। बुद्ध विहार वाटिका पार्क में हूँ जो सरघाटी और डोभी के बीच में है। सो मैं बस आज मन नहीं लग रहा था तो घूमने के लिए बस निकल पड़ा। पार्क का 2 नाम है, एक इंग्लिश में नाम है फ्लोरल डाइवर्सिटी पार्क। सो अभी मैं ये पार्क का फ्रंट व्यू ऐसा है और देखिए पार्क तो बहुत प्रिटी है, बट अब ये पार्क जो है नया है, पुराना नहीं है, उतना ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है, घना नहीं है, बट आप यहाँ इजीली आकर आप पिकनिक और कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट इस पार्क में प्लास्टिक लाना अलाउ नहीं है, सो कुछ भी आप लाएं तो हो सके तो ये झोले और डब्बे में करके ला सकते हैं। तो जो भी बाहर का चीज़ है वो अलाउ नहीं करते यहाँ पे, प्लास्टिक वाला चीज़ खासकर। सो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं ये पार्क कैसा है। सो पूरा साइनी है आज, ये जितना भी एक्टिविटीज़ है सारे बच्चे लोग के लिए है, जो आपके साथ अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे खेल सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है, निशुल्क है, फ्री है, और सिर्फ ये बच्चों लोग के लिए है, बड़े लोग के लिए नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बुद्ध विहार वाटिका पार्क बड़ा अजीब लग रहा है अभी मुझे, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सिर्फ बच्चों लोग के लिए है, तो बड़े लोग भी बैठ के इसका एंजॉय ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, देखिए क्या व्यू है। आई मीन ये थोड़ा सा इसमें कांटा है और फूल तो बहुत प्रिटी लग रहा है। सो ये पार्क कुछ ऐसा ही है, 2016 में इसका ओपनिंग हुआ है। सो ज़्यादा पुराना पार्क भी नहीं है, ये रिसेंटली ओपन हुआ है, नया पार्क है। आपको नॉर्मल बस यहाँ पे कुछ खास अदर एक्टिविटीज़ करने को तो मिलेगा नहीं, जैसे मेरा अगर पिछले वाला ब्लॉग देखे होंगे पांडू पोखर, सो उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ था। वो पार्क जो है पांडू पोखर वो राजगीर में था, बट ये बोध गया और गया से नज़दीक है, करीब 40 या 45 किलोमीटर पड़ेगा, और पांडू पोखर है जो करीब 70 से 75 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये पार्क है जो धोबी कोलकाता हाईवे के बीच में, हाईवे में है, बीच में सॉरी नहीं हाईवे में है, और ये सरघाटी और क्या बोलते हैं इसे धोबी के बीच में पड़ता है। धोबी से करीब ये 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा और लगभग सरघाटी से भी सेम ही पड़ेगा। सो ये पार्क कुछ ऐसा ही है। आज का डे इसी पार्क में मेरा, मैं भी एक रेस्टोरेंट बगल में है, मैं वहाँ विज़िट करूँगा और देखते हैं वो रेस्टोरेंट का कैसा पकवान कैसा होता है और वहाँ का डिशेस पसंद आते हैं कि नहीं। वैसे मैं पहले ट्राई किया था तो
एक बार और आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, बट उस समय मैं कोई वीडियो शूट नहीं किया था। बट देखिए आप, अगर आप अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहते हैं तो दिस इट्स पार्क फॉर यू। ये पार्क आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है और आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ भी आ सकते हैं। बट पेड़ बहुत छोटा छोटा है यहाँ पे, सो आपको बैठने में थोड़ा तो तकलीफ होगा ही होगा, क्योंकि ये पार्क है जो बड़ा है ना, छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है। ये पार्क का जो मेन अट्रैक्शन है जो यही है, जो बीच में ये वॉकिंग के लिए जो दो साइड से जो रास्ता दिया हुआ है, यही अट्रैक्शन है यहाँ पार्क का। ज़्यादा कुछ है नहीं इस पार्क में। सो येलो फ्लावर एंड रेड फ्लावर बहुत प्यूटी लग रहा है। आया बढ़िया आया। सो मेन यही है बीच पार्क, बगल में एक छोटा सा लेक भी है। सो आपको मैं चल के दिखाता हूँ वो लेक कैसा है, बिकॉज मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ तो पता है। पहले भी मैं एक बार यहाँ आ चुका हूँ। ये रहा, सामने दिख रहा आपको, क्लोज से दिख जाएगा आपको। ये जो ज़्यादा बड़ा पार्क, आई मीन ज़्यादा बड़ा लेक नहीं है, छोटा सा लेक है। ये रहा लेक आपका सामने। ये पार्क में बहुत सारा झाड़ियाँ हैं, ड्राई ग्रीन, उतना बड़ा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। पहले भी मैं जब आया था यहाँ पे तो जल्दीबाजी में चला गया था, मैं ज़्यादा ठीक से विजिट नहीं किया था। सो अभी मैं घूम रहा हूँ। ये है लकड़ी का पुल के ऊपर बैठना सख्त मना, लकड़ी का पुल है छोटा सा। जंगल टाइप जैसा है, घना अंदर, चल कर देखते हैं थोड़ा, मुझे बहुत पसंद है नया नया जगह को एक्सप्लोर करना, घूमना अच्छा लग रहा है। अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जंगल में घूम रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। सो ये पार्क में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा वो बच्चे लोगों के खेलने के लिए वो जो आपको मैं आगे दिखाया, थोड़ा सा प्लेइंग सामान है, कुछ झूला हो गया और स्लाइडर हो गया, और भी कुछ थोड़े थोड़े सामान हैं, ज़्यादा नहीं। और बस आप यहाँ पे आकर बैठकर पिकनिक मना सकते हैं, उस टाइप का पार्क है ये। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इसमें नहीं है ना, आप एनिमल्स का कुछ सो के ये जू जैसा नहीं है, ओनली पार्क ही है। ये पूरा जंगल जैसा फील दे रहा है, लग रहा है कि जंगल में घूम रहा हूँ।
यूट्यूब, हाँ यूट्यूब, हाँ सा चैनल का नाम, चैनल का नाम क्यूटू किंग है, चैनल का नाम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यूटू किंग, क्यूटी किंग। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग, ये पार्क में एक नया चीज़ और देखा हूँ मैं, ये रहा दो यहाँ पे है, ये हिरन का बच्चा है, देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा तो यस, ये तो बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, खरगोश कहाँ है, खरगोश कछुआ भी रहता है, मेरे भी लीजिए, ये है, ये जो है हिरन का बच्चा है, दो बेबी है छोटा छोटा, और कुछ खास तो नहीं है, बस दो ही है यहाँ पे। स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है इन लोगों, छोटा है स्पेस में रखा। अभी मैं बुद्ध वाटिका पार्क के अंदर एक रेस्टोरेंट है, उसी रेस्टोरेंट के अंदर मैं एक लस्सी ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी लस्सी का रेट है 35 पर ग्लास, बट ग्लास तो बहुत छोटा लग रहा है मुझे, सो टेस्ट ओके है नॉर्मल, बट चलेगा। यहाँ का सर्विस उतना कुछ खास नहीं है, पुअर है, सो अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो बाहर से भी कुछ सामान ला सकते हैं आप, और ला कर इस पार्क में बैठकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बाहर से कुछ लेकर आइए, बैठिए और एंजॉय कीजिए, बिकॉज यहाँ का जो रेस्टोरेंट है चार्ज मेनू कुछ ज़्यादा ही बाहर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो उस जिस तरह का चार्ज कर रहा है उस तरह क्वालिटी भी नहीं दे रहे हैं। ये है रेस्टोरेंट, ये पार्क के अंदर, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया हूँ, बट पहले भी मैं यहाँ पे ट्राई कर चुका था बिरयानी, तो टेस्ट कुछ ना कुछ खास नहीं दिखता। ये मैं भी यहाँ पे लस्सी ट्राई किया हूँ, वो भी कुछ खास नहीं था, ओवर चार्जेस लगा मुझे, बट और चलते हैं बाहर देखते हैं, रेस्टोरेंट उतना कुछ खास नहीं है, देखने में तो बहुत कूल है मगर सर्विस पुअर है, जिस तरह का देखने में उस तरह का सर्विस नहीं है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं ये पार्क घूम लिया, अच्छा लगा। अभी 2 बज रहा है और भूख भी लग गया है मुझे, तो यहाँ का रेस्टोरेंट तो कुछ खास नहीं है, मैं वहाँ जाकर एक बस लस्सी पिया, और उसके बाद मैं अभी बाहर जाके एक बीच में कोई ढाबा है वहाँ खाना खाऊंगा, सो चलते हैं ढाबा और वहाँ का सर्विस का इंजॉय लेते हैं, आई मीन टेस्ट करते हैं वहाँ का कैसा फूड होता है, सो बीच में एक ढाबा है, ढाबा में जाकर खाना खाएंगे। सो ये पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, मैं पहले बोला था आपको कि ये पार्क बड़ा है, बट एक्चुअल में जब घूमने के बाद पता चला तो ये बड़ा नहीं, मीडियम है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोल सकते हैं।